हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी में। फ्रेंड, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आई है बिहार विधान परिषद सचिवालय की तरफ से। जो पोस्ट कार्यालय परिचारी का रिक्रूटमेंट आया था उसका फाइनली रिजल्ट आज जारी कर दिया गया है। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं उन सभी को कंग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा जिनका नाम इस सूची में आया है, और जिनका नाम नहीं आया है वे नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में सोचेंगे और नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी करेंगे, जैसे कि अभी ग्रुप डी की एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड, मैं फाइनली आ चुका हूँ रिजल्ट के ऊपर। तो देखिए क्या कहा गया है। ये देखिए, विज्ञापन संख्या 7/2019 कार्यालय परिचारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु अंतिम परीक्षाफल है ना, ये फाइनल है। बिहार विधान परिषद सचिवालय के संदेश वाहक मैसेंजर संवर्ग में कार्यालय परिचारी के रिक्त 96 पदों पर सीधी भर्ती हेतु दिनांक 21/12/2020 से 29/1/2020 तक आयोजित इंटरव्यू परीक्षा में परीक्षार्थियों की प्राप्तांक के आधार पर आरक्षण कोटिवार नियुक्त हेतु निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके मेघाक्रम के अनुसार अंतिम रूप से निम्नवत सफल घोषित किया गया है। यानी कि आपको जो इंटरव्यू में जो मार्क्स मिला है उसके आधार पर है ना, आरक्षण कोटिवार, यानी कि आप जिस कैटेगरी में हैं उस कैटेगरी के आरक्षण को देखते हुए यह रिजल्ट प्रकाशित किया गया है। और देखिए यहाँ पे अनारक्षित वर्ग है ना, अनारक्षित कोटि, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग सहित, यानी कि इसमें जनरल और ईडब्ल्यूएस को भी ले लिया गया है ना। तो देखिए, ये आप लोग अपना रोल नंबर यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आप लोगों का यहाँ पे नाम आया है कि नहीं, है ना, आप लोग का रोल नंबर इसमें है कि नहीं। और जिनका इसमें रोल नंबर है उनका यहाँ पे फाइनली सिलेक्शन हो गया है, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे कितना, और यहाँ पे देखिए अनुसूचित जाति का ये दे दिया है, और ये आपका अनारक्षित वर्ग का हो गया, इसमें यूआर सहित दिया गया है। और वही देखिए यहाँ पे अनुसूचित जाति का है ना, ये देखिए अनुसूचित जाति का, और अनुसूचित जनजाति का मात्र एक कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है, और वही अत्यंत पिछड़ा वर्ग के वर्ग कोटि का। देखिए यहाँ पे ये रोल नंबर दिया गया है, और वही पिछड़ा वर्ग कोटि का दिया गया है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये, और पिछड़ा वर्ग की महिला का, देखिए यहाँ पे महिला का 3 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। सभी सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन परिषद सचिवालय में होगा, जिसकी सूचना अलग से प्रकाशित की जाएगी। यानी कि जिनका जिनका नाम इसमें आया है उन सभी का अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अलग से सूचना प्रकाशित किया जाएगा, ये कहा गया है। और देखिए फ्रेंड, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, और देखिए यहाँ पे विधान परिषद सचिवालय के विज्ञापन संख्या 7/2019 के प्रकाशित होने के पश्चात की अवधि के दौरान परिषद सचिवालय में कार्यालय परिचारी के पदों पर कार्यरत कर्मियों की सेवा निवृत्ति सेवा काल में मृत्यु के फलस्वरूप परिषद सचिवालय के संदेश वाहक मैसेंजर संवर्ग में कार्यालय परिचारी के रिक्त हुए कुल 6 पदों के आधार पर कोटिवार आरक्षण प्रतिशत एवं क्षैतिज आरक्षण के अनुपालन में आरक्षण कोटिवार कुल 6 परीक्षार्थियों को निम्नलिखित सफल घोषित किया गया है। यानी कि यहाँ पे फ्रेंड ये कहा जा रहा है कि प्रकाशित होने के पश्चात, देखिए यहाँ पे दौरान परिषद सचिवालय में कार्यालय परिचारी के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की है ना सेवानिवृत्त सेवा काल में मृत्यु, यानी कि जो रिटायर हो गया है ना और सेवा काल में जिनका मृत्यु हो गया उसको देखते हुए यहाँ पे 6 पदों का ये निहित प्रावधानों के आलोक में सीधी भर्ती हेतु परीक्षार्थियों के प्राप्तांक की मेगा सूची के आधार पर कोटिवार आरक्षण प्रतिशत एवं क्षैतिज आरक्षण के अनुपालन में आरक्षण कोटिवार कुल 6 परीक्षार्थियों को निम्न सफल घोषित किया गया है। यानी कि ये सेवानिवृत्त और सेवा काल में मृत्यु वाले के लिए है ना। तो ये देखिए अनारक्षित कोटि का दिया है यहाँ पे, और देखिए अनुसूचित जाति का और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि का है ना, और पिछड़ा वर्ग की कोटि का, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि सभी सफल अभ्यर्थियों की प्रमाण पत्रों का सत्यापन परिषद सचिवालय में होगा, यानी कि आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये सचिवालय के अंदर होगा, ठीक है, बिहार विधान परिषद की वेबसाइट पर। और इसकी सूचना जो है ये आप लोगों को बिहार विधान परिषद सचिवालय की वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित की जाएगी। तो आप लोगों के पास अभी भी समय है ना, आप लोग जल्दी जल्दी जा करके डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए। तो यही वो अपडेट्स था फ्रेंड, आज के लिए इतना ही रखता हूँ, फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। और फिर नेक्स्ट वीडियो मैं लाऊंगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर है ना, कि आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए और कहाँ से बनवाना है, इन सभी बातों पे मैं चर्चा करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही रखता हूँ, फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट की।